सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको रैपिडो ऐप के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली या फिर बाय डिफॉल्ट आप बुक करते हैं रैपिडो को, ठीक है, रैपिडो में आपका बाइक आता है, ऑटो आता है, अगर आप बुक करते हैं डेली, तो यहाँ पर अभी ऑफर आया हुआ है स्क्रैच कार्ड का। जब आप अपनी राइड को बुक फिनिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एक स्क्रैच कार्ड आता है, ठीक है। स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 coins, 12 coins ऐसा मिलता है, जो कि आपका 1 coin बराबर होता है 1 rupee, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे जो है अभी 25 coins हैं मेरे पास। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 coin = 1 rupee है। तो मेरे पास अभी यहाँ पर 15 coins हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है कि 4 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर रैपिडो मनी यहाँ पर 10 rupees दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप रैपिडो में रुपए को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 lines यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे कि मैंने क्लिक किया। अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं रैपिडो वॉलेट में आप यहाँ पर 24.51 इतना रुपीस दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर रैपिडो वॉलेट में रुपए को ऐड करना चाहता हूँ तो आप किस तरह से ऐड कर सकता हूँ, तो रैपिडो वॉलेट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 15 coins है जो कि 4 अगस्त को एक्सपायर हो जाएंगे, उसके पहले मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड मनी पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रुपए को ऐड कर सकते हैं। ऐड मनी पर मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो कितना रुपए आपको ऐड करना है वो आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 rupees ऐड करके दिखा देता हूँ। 50 rupees पर फिल किया, यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिया हुआ तो ऐड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है कि आप किस तरह से रुपए को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप फोन पे वॉलेट से या फिर आप अमेजन पे के या किसी कार्ड से, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए या UPI से, जैसे कि गूगल पे का UPI हो गया, फोन पे का हो गया, नेट बैंकिंग या वॉलेट किसी से भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं UPI से यहाँ पर आपको करके बताऊँगा, तो मैं UPI पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको UPI ID फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ोनपे की UPI ID से यहाँ पर रुपए को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे का UPI ID फिल कर दूँगा, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फ़ोनपे का UPI ID फिल कर दिया। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है पे ₹50, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पे ₹50 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिख क्या रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो रहा है। आपको जिसका भी आपने UPI फिल किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोनपे का UPI फिल किया, तो आपके फ़ोनपे ऐप पर रिक्वेस्ट जाएगा ₹50 पेमेंट करने के लिए, तो अब वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। जिस ऐप का भी आपने यहाँ पर UPI ID फिल किया हुआ है उस ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने फ़ोनपे का किया हुआ, तो मैं फ़ोनपे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ₹50 का रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करके इसको पे कर दूंगा। तो मैंने पे पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अकाउंट सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर मैं नीचे सेंड पर क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर UPI पिन फिल करना होगा 6 digit का, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है कि पेमेंट ऑफ ₹50 हैज बिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम जाएंगे अपना रैपिडो ऐप पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है और हमारा जो ₹50 है वो ऐड हो जाएगा हमारे रैपिडो वॉलेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिख के आ गया सक्सेस, यू ऐड मनी रिक्वेस्ट हैज बिन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारा जो रैपिडो मनी था वो 10 rupees था, अब यहाँ पर 60 rupees हो गया है। अब आप सीधे जब भी आप रैपिडो बुक करेंगे तो आप सीधे यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रैपिडो में, रैपिडो वॉलेट में आप रुपए को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आओ, अगर आपको वीडियो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।